Hello everyone, this is Bhumika Parekh from Leal Public School and today's topic is verbs. We all know what verbs are, but we are going to give a more detailed study to it today. We are going to see what verbs express, what is the subject verb agreement, what are phrasal verbs and what are weak verbs and strong verbs. That is for class 6 and we'll start with the topic now. The first thing which we need to understand that verbs are actually doing words. Any word which expresses some or the other action is called a वर्ब. कोई भी वर्ड जब एक्शन को दिखाता है या कोई भी वर्ड से हमें ये पता चलता है कि एक्शन क्या हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. तो वर्ब्स आर बेसिकली वर्ड्स दैट डिनोट एन एक्शन. ठीक है, अदर देन डिनोटिंग एक्शंस वर्ब्स आल्सो डू थ्री अदर थिंग्स. वर्ब्स एक्शन डिनोट करने के साथ साथ में वर्ब जो है वो तीन और चीजों को एक्सप्रेस करते हैं. द फर्स्ट वन इज एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट विच इज नोन टू ऑल ऑफ अस. जो भी एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब. हेयर इफ वी सी सेलेना विलियम्स इज द सब्जेक्ट. सेलेना विलियम्स इज द सब्जेक्ट एंड द एक्शन विच शी हैज डन इज विनिंग द फ्रेंच विंबलडन. ठीक है, तो वन हेयर इज द वर्ब. नेक्स्ट व्हेन वी सी व्हाट द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट इज. स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट मीन कि वो कौन से राज्य में है, बट स्टेट है मींस इन व्हाट काइंड ऑफ अ पोजीशन इट इज. वो किस पोजीशन में है या किस हालत के अंदर है. तो द एग्जांपल व्हिच वी हैव हियर इज दिल्ली इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी. तो यहाँ पे इज द वर्ब बिकॉज ये हमें बता रहा है कि दिल्ली का जो स्टेट है या दिल्ली का जो कंडीशन है वो क्या है. दिल्ली का कंडीशन इज ऑफ अ वेरी क्राउडेड सिटी. तो इज हियर इज अ वर्ब. ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज व्हेन इट शोज द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, पोजेशन जो है सब्जेक्ट का वो पॉइंट आउट करने के लिए भी वी आर यूजिंग वर्ब्स. रेनू हैज अ न्यू हाउस. ठीक है, तो ये जो हैज है ये दिखा रहा है कि रेनू के पास में क्या है. रेनू हैज अ न्यू हाउस. अ न्यू हाउस इज पजेस्ड बाय रेनू. सो द वर्ड हैज इज बेसिकली शोइंग द पोजेशन द सब्जेक्ट हैज एंड दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ वर्ब. ओके, I hope what is verbs is clear to all of you. Verbs are those words which indicate or denote any kind of action. Okay? And other than expressing an action, they show the action which is done by the subject. The state of the subject is, like in what kind of a state the subject is. And the last one, what is possessed by the subject. These are the work, these are the functions of a verb. Next comes subject verb agreement. Subject verb agreement, as the name suggests itself, is how or what kind of a verb will be placed with what kind of a subject. कौन से subject के साथ में कौन सा verb आएगा, ये जो agreement होता है या ये जो settlement होता है उसको हम क्या कहते हैं, subject verb agreement. So it is clearly here that if the subject of a sentence is plural, the verb should be plural, and if the subject is singular, the verb should be सिंगुलर. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, और अगर सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगा. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली मेन वर्ब्स, तो यहाँ पे एस और एस का जो है वो कंफ्यूजन आपको हो सकता है. एस गोज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट टेक एन एस. ओके, देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली टेकन एज सिंगुलर वर्ब्स. कलेक्टिव नाउन्स को आप हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करोगे, जैसे अ हर्ड ऑफ शीप. ठीक है, तो जो हर्ड ऑफ शीप है उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, क्योंकि हर्ड बहुत सारी शीप्स का हर्ड है लेकिन हम उसको एज वन ग्रुप काउंट करते हैं. तो वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, अ प्लूरल सब्जेक्ट डज नॉट मीन दैट इट हैज टू बी More than that, if there is more than one subject, the verb should be plural. ऐसा भी हो सकता है कि subject जो है वो plural हो, जैसे girl and boy. ठीक है, boys भी plural है, girls भी plural है, लेकिन अगर हम girl और boy की बात करें तो वो भी क्या लेंगे, हम plural की तरह ही लेंगे. भावना is reading loudly because भावना is a singular person. तो यहाँ पे is जो है वो आया है, otherwise it would have taken R as it has been taken in the next sentence. The students of class 6 are shouting. सारे जो बच्चे हैं class 6 के students, ठीक है, वो चिल्ला रहे. तो जब यहाँ पे ये plural हो गया, that is why we have taken R here. Okay? The singular form of the verb follows words like each, everyone, everyone, one of, no, none, none of, nobody, either, neither. जब भी ये verbs आए, sorry, ये subjects आएंगे, none आता है या each आता है,
so they will always take the singular verb. None of the students. Of students here is plural, but because we have used none, so it becomes singular. So यहाँ पे singular verb आएगा. Neither Sandeep nor Renu. Sandeep or Renu, दो जने हैं, plural हो जाता है, but because we have neither or and nor, so it will always take singular. Okay? I hope that is clear to all of you. The next thing which we are going to say is a phrasal verb. A phrasal verb is a combination of a verb and preposition or a verb and adverb which changes the meaning of the verb. अगर verb का मतलब change हो रहा है जब आप उसके साथ में एक दूसरा preposition या adverb लगा रहे हैं, तो वो जो group of verbs है उसको हम phrasal verb कहेंगे. ठीक है, for example, Upasana looks after her brother and sister. Looks का मतलब क्या होता है? देखना. After का मतलब क्या होता है? बाद में. ठीक है, but because these two have come here together, it means taking care of. उपासना अपने भाई और बहन का ध्यान रखती है. तो अब ये looks जो है वो हमारा verb है, ये preposition है. But when both of these are put together, they come up with a different meaning, right? That is why such kind of phrases are called as phrasal verbs. Next is swine flu has broken out. Broken का मतलब क्या होता है? टूटना. Out का मतलब क्या होता है? बाहर. लेकिन here broken out means फैल जाना, to spread. तो swine flu has broken out in India. तो यहाँ पे broken जो है, that is the verb from which started from break. Break से broken हुआ ये. ठीक है, but यहाँ पे इसका जो मतलब है वो टूटना नहीं आ रहा है. So this is particularly a phrasal verb. When a combination of a verb and preposition or a verb and adverb comes out in a way that the meaning of the verb changes, it is called a phrasal verb. Next is classes of verbs. Verbs are divided into two classes, strong verbs and weak verbs. Strong verbs or weak verbs जो है उनके अंदर जो difference है वो यही है कि when verbs form their past tense by changing the vowel in the present form. अगर कोई भी वर्ब अपने पास्ट टेंस में जाने के लिए अपने अंदर का कोई भी एक वोवल चेंज करता है, सिर्फ वोवल चेंज करता है, ईडी टी या डी अपने साथ में नहीं लेता है, देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब. जैसे ईट बिकम्स एच ई एच. ठीक है, वर्ब का पोजीशन चेंज हुआ लेकिन उसने अपने साथ में ईडी या टी या डी नहीं लिया. फॉल, फेल हो जाता है. एफ ए डबल एल फॉल बिकम्स एफ ई डबल एल फेल. एक ही जगह पे हमने क्या ले लिया? ई ले लिया, लेकिन ना तो लास्ट में ईडी लगाया, ना टी लगाया, ना डी लगाया. तो दीज काइंड ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. देन वीक वर्ब्स आर दोज व्हिच टेक डी ईडी और टी विद देम. या तो वो अपने लास्ट में डी लगा लेंगे या टी लगा लेंगे या ईडी लगा लेंगे, एंड दे माइट समटाइम्स ऑल्सो चेंज द वोवल. वोवल भी उनके अंदर का जो है वो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा हो. इट माइट change sometimes and sometimes it might not, but they will always take a D, ED or T with them, and these are called as weak verbs. Okay? So strong verbs are those who do not take ED, T or D with them, and weak verbs are those who take D, ED and T with them. In strong verbs, the vowel always changes, and in weak verbs, the vowel might change, might not change, but they will always take D, ED or T with them. Okay? So that are strong verbs and weak verbs. On the next page, we have some examples of some strong verbs and weak verbs. Arise, arose, arisen. Arise का I हटा के हमने O लगा दिया, लेकिन यहाँ पे D, T या ED कुछ भी नहीं लिया. We then made it into arisen. Strive, strove, striven. Lie, lay, lean. Spelling change हो जाएगी. ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी लेकिन वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, उसके साथ में डी ईडी या टी नहीं लगेगा. देन इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. ओके, देन द वीक वर्ब्स आर व्हेन इट टेक्स अ डी टी और ईडी. बी एन डी बेंट बिकम्स बी एन टी बेंट. बी ई एन टी बेंट. ठीक है, लीप लेफ्ट लेफ्ट. ठीक है, लाई लाइड लाइड. तो डी ले रहा है वो, टी ले रहा है साथ में, ईडी लेंगे कुछ वर्ड्स. ठीक है, एंड दीज आर बेसिकली वीक वर्ब्स. जैसे हियर है, हियर, हर्ड, हर्ड. सीधा सीधा क्या कर लिया? एक डी ले लिया अपने पीछे. तो सच काइंड ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एज वीक वर्ब्स. देन देयर आर सम वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म. कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं. जैसे बेट बेट बेट. Cast, cast, cast.
Fast, fast, fast. ठीक है, दीज काइंड ऑफ वर्ब्स विल नॉट चेंज देयर फॉर्म इन द फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और द थर्ड फॉर्म. सो सच फॉर टाइप ऑफ वर्ब्स आर ऑल्सो देयर. दीज आर नॉट ऑल द वर्ब्स दैट आर पॉसिबल बट देयर आर अ फ्यू ऑफ देम. इन्हीं को देख के या वाइल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स यू हैव टू नो दैट हाउ वर्ब्स चेंज इन देयर फर्स्ट टू सेकेंड और थर्ड फॉर्म. I hope that was all clear to you. We had studied what verbs are, what verbs do, the three functions particularly, that they tell what the action is done by the subject, they tell the state of the subject, and then they tell what is possessed by the subject. Then we studied about the subject-verb agreement, in which we came to know what subject will take which verb and which verb will come with which subject, singular with singular, plural with plural. Other than that, collective nouns will always take a singular verb. Each, every, one, none, no, nobody, either, neither, all this will also take singular verbs. Then we understood what are phrasal verbs. Phrasal verbs are verb and a preposition or verb and an adverb which changes the meaning of the verb. Okay, these are called as phrasal verbs. And then the classes of verbs, strong verbs and weak verbs. Strong verbs are those verbs which change their vowels but do not add ed, t or d to them, and weak verbs are those which add d, ed or t to them but never and may change or may not change the vowel within them. And these were some examples of the verb forms. Okay, that was it for today, and I hope all of this section was clear to you. Thank you so much.